अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन डियर। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है इंग्लिश का, और इसकी हम रीडिंग कर चुके हैं। और नेक्स्ट अब हमने करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में देखें, सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ से रीड करते हैं। इज रिश मेल और फीमेल, रिश मेल थी या फीमेल, रिश मेल था या फीमेल थी। अब देखें उसका आंसर हम लिखेंगे, रिश इज़ अ मेल, रिश इज़ अ मेल। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। पहले सबसे देख लें, मेल इज़ द वर्ड फॉर अ बॉय और मैन। जो मेल का वर्ड है, हम लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं या आदमी के लिए करते हैं। फीमेल इज़ द वर्ड फॉर अ गर्ल और वुमेन। और जो फीमेल का वर्ड है, हम क्या करते हैं, लड़की के लिए या फिर औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डज रिश हैव हेयर और फर, व्हाट इज़ इट लाइक। देखें, He have fur on his body and he likes fur. He have fur on his body and he likes fur. Question number 3 देखें हमारे पास यहाँ पे है, What does Rish do in the house? Rish अपने घर में क्या करती थी? He hunts and walk in house. He hunts and walk in house. Question number 4 देखें, What do you थिंक रिश डज आउटसाइड द हाउस। अब वो आउटसाइड पे क्या करती थी, घर से बाहर क्या करती थी, ऑलवेज आउट टू कैच अ माउस। ही ऑलवेज, वो बाहर किस लिए जाती थी, चूहे पकड़ने के लिए जाती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, इज रिश क्लेवर, क्या रिश होशियार था। येस ऑफकोर्स, रिश इज क्लेवर, रिश इज क्लेवर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखें, इन योर ओन वर्ड से व्हाट रिश इज लाइक। Rish likes fish for eat. Fish to eat. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के आंसर्स हैं इन क्वेश्चंस के, जो आप लोगों के बुक पे दिए गए हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने इनको क्या करना है, अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करना है, इनको याद करना है और आपने लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।